अब एक हमारे जानने वाली फैमिली है और उनके रिलेटिव भी जम्मू में है, ठीक है, इंडिया साइड कश्मीर में, इंडिया साइड, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यार हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते यार कि हम लोग इस साइड में शामिल हों, क्योंकि जितना को फैसिलिटीज उन्होंने कर दिया, उनको जितनी तरक्की कर दी है, और यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं बने यार। कश्मीर हमने सारा विजिट किया, तो अब कश्मीर पाकिस्तान, वो जो नारा लगता था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं है। अब तहरीकें चल रही हैं, मैंने खुद वहाँ पर देखा है, तरीके चल रहे हैं कि जो इंडिया के साथ इल्हाक चाह रहे हैं। ये मैंने सुना था कि भाई वहाँ पे अलहदगी की, खुद मुख्तारी की तहरीके इंडिया के साथ, यानी ये पाकिस्तान साइड कश्मीर में जी तहरीके चल रही हैं वहाँ पर। अभी मैं इंडिया के साथ हम मिल जाना चाहते हैं। मैं एक माह पहले गाकूच में था, ये गिलगित बल्तिस्तान का अलग है, पट्टी एक है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर बाकायदा तहरीके चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो मीडिया पर नहीं लाई जा रही चीज़, लेकिन ये हो रहा है। मेरी बात सुनो, रिलेशन बेहतर होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। बचपन से जो हमें चीज़ सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है, क्या कर रहे हो यार, बस कर दो, खुदा का खौफ करो। आज मैं एक लिस्ट देख रहा था प्राइस की, कंपैरिजन अगर करें इंडिया में इस वक्त आलू 4 रुपये किलो है, 4 रुपये हमारा यहाँ पर है 70 रुपये किलो, यहाँ वहाँ पर आटा शायद 20 रुपये, प्याज हमारा 200 रुपये किलो पे है, वहाँ पर है 12 रुपये किलो। अगर वो करेंसी आप एक्सचेंज भी करें उनके, चार गुना करें 48 रुपये, हमारा 200 रुपये। इंडिया के साथ हो जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो अफगानिस्तान के साथ क्या है? भाई जब तक हम किराए के कातिल बनते रहेंगे ना, तो तब तक हम लोग सही नहीं हो सकते, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आपने पाकिस्तानियों के मुंह से जरूर सुना होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज पाकिस्तान के कुछ लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते, पीओके के लोग नहीं चाहते, और ये लोग पीओके घूम कर आए हैं। तो पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। कश्मीर हमने सारा विजिट किया, तो अब कश्मीर पाकिस्तान, वो जो नारा लगता था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं है। अब तहरीके चल रही हैं, मैंने खुद वहाँ पर देखा है, तहरीके चल रही हैं कि जो इंडिया के साथ इल्हाक चाह रहे हैं। ये मैंने सुना था कि भाई वहाँ पे अलहदगी की, खुद मुख्तारी की तहरीके इंडिया के साथ, यानी ये पाकिस्तान साइड कश्मीर में जी तहरीके चल रही हैं वहाँ पर। अभी मैं इंडिया के साथ हम मिल जाना चाहते हैं। मैं एक माह पहले गाकूच में था, ये गिलगित बल्तिस्तान का अलग है, पट्टी एक है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर बाकायदा तहरीके चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो मीडिया पर नहीं लाई जा रही चीज़, लेकिन ये हो रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है, और मैं समझता हूँ इनकी जो बात है काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होगी, क्योंकि एक मीडिया से भी हैं और ये मतलब ये के टूर वगैरह करते रहते हैं। सर आप इसके ऊपर क्या? मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग रिसेंट कुछ तीन महीने पहले तावड़ में थे हम लोग, वहाँ पे एक हमारी जानने वाली फैमिली है और उनके रिलेटिव भी जम्मू में है, ठीक है, इंडिया साइड कश्मीर में, इंडिया साइड, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यार हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते यार कि हम लोग इस साइड में शामिल हों, क्योंकि जितना को फैसिलिटीज उन्होंने कर दिया, उनको जितनी तरक्की कर दी है, और यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं बने यार, मट्टी नरम हुई हुई है कश्मीर की, बीज डालें उग जाएगा, वो लोग बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हमारी जान छोड़ दे पाकिस्तान। मैं आपको बाकायदा बता रहा हूँ, आप ले जाओ अपना कैमरा ले जाओ, वहाँ पे कुछ लोगों से मिल लो, बात कर लो। हम गए थे वो कैमरा उधर, इजाज़त भी है, सच नहीं ना होती है फिर। देखो ना यही तो सारे मसाइल है ना, आप ऑन कैमरा उनसे बात ना करो, ऑफ कैमरा बात करके देख लो, वो सारी सूरत हाल आपको बताएंगे। वो बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सी अनाग ये जाएंगे, 71 में आपके जनरल के रैंक यहाँ से फाड़ दिए गए, सरेंडर कर दिया था, चलता है दुनिया में, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। अरगल में भी जो हुआ हमारे उधर, जो उनसे लाशें पड़ी रही कोई लेने नहीं गया, अटूट अंग, और ये शहर को छोड़ो, आवाम का सोचो कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंसानियत के ऊपर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये खंबे उखाड़ उखाड़ के, जो कोटली का एरिया कश्मीर का, वो लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने खंबे दे दिए, ठीक हो गए, यानी कि बिजली आप महंगी दे रहे हैं। और ये देखें उनकी, इन्होंने बोला कि इंडिया साइड कश्मीर में फैमिली रहती है, और उन्होंने कहा कि हम कभी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। सर उधर कभी अटैक आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं पूरे इंडिया में, ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, पूरे इंडिया में कोई अटैक की खबर नहीं आती कि भाई आज दिल्ली में हो गया, यहाँ हो गया, नहीं आती खबर, लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में अटैक सुनने को मिलते हैं। वो इंडिया खुद तो कर नहीं सकता, अपना ही में तो कोई खराब नहीं करेगा, फिर ये कहाँ से होते हैं? यार मैं नंबर वन की बात करूंगा ना, फिर मैं ऐसी बातें ना करवाओ, क्या कर रहे हो वो, अच्छा खैर नाम चला जाता है नहीं ठीक है, मतलब ठीक हो गया, अच्छा बेहतरी हो सकती है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं आपस में, ट्रेड आपस। मेरी बात सुनो, रिलेशन बेहतर होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। बचपन से जो हमें चीज़ सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है, क्या कर रहे हो यार, बस कर दो, खुदा का खौफ करो। आज मैं एक लिस्ट देख रहा था प्राइस की, कंपैरिजन अगर करें इंडिया में इस वक्त आलू 4 रुपये किलो है,
4 रुपए हमारा यहाँ पर है 70 रुपए किलो, यहाँ वहाँ पे आटा शायद 20 रुपए, प्याज हमारा 200 रुपए किलो पे है, वहाँ पर है 12 रुपए किलो। अगर वो करेंसी आप एक्सचेंज भी करें उनके चार गुना करें 48 रुपए, हमारा 200 रुपए, तो ये फर्क क्यों है? मैं इसका फर्क का मैं जो अनु बात की है ना फर्क क्यों है मैं उसके फर्क बता देता हूँ आपको। वहाँ पे DHA नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अस्क्रिय नहीं है। नहीं सर, इसकी मैं एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, बड़े लोग मुझे अक्सर ये बात करते हैं कि वहाँ पे सर, वहाँ पे जिन अदारों की तरफ आप या पब्लिक इशारा करती है कि पाकिस्तान में उन अदारों का जिम्मेदार है, वहाँ वही अदारे वहाँ पे भी तो हैं और हमारे से बड़ी तादाद में है, यानी कि अगर वो अदारे आप समझ सकते हैं सर, वहाँ पे भी तो हर इदारा जब तक अपनी औकात में नहीं रहेगा ना तो आप किसी भी मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। ठीक हो गया। सिर्फ बात वज़ीर आज़म कहाँ रहता है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो फौज को कहाँ रहना चाहिए? बॉर्डर पे या है वो जो भी उनके बैरक में रहना चाहिए। बस बैरक में रहेंगे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये देखें, यही फ़ायदा होता है कि जब हम किसी सीनियर से बात करते हैं ना सिर्फ हमें चीज़ें समझने का मौका मिलता है बल्कि हिस्ट्री के बारे में 76 साल से जो हमें बताया गया कश्मीर के नाम पे हमारे साथ जो जज्बाती स्टेटमेंट और नारे और बहुत सी ऐसी चीज़ें, नो डाउट मैं कश्मीर से बहुत प्यार करता हूँ और ये भी करते होंगे, हर पाकिस्तानी करता है, हर कश्मीर मतलब, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर के नाम पर नारे लगाएं। कश्मीर को आप हमारे साइड पे जो कश्मीर है उसे राइट दें ना, और दूसरे साइड कश्मीर की बात करें, ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, मैं जाहिर बात है उस तरह का कोई कंट्रोवर्सल बात नहीं, एक सीखने वाली बात करना चाहूँगा, आने वाले टाइम में कोई बेहतर होंगे मामला, कोई रिलेशन बेहतर होंगे? आप तो मीडिया से हैं, कभी खबर इधर उधर से कोई आती होगी। रिलेशन बेहतर करने के लिए ना आपको कश्मीर को साइड पर करना पड़ेगा, मतलब कि मुशर्रफ का फार्मूला भी था, मतलब कि इत्तेफाक भी हो गया हुआ था कि आपको दोनों साइडों वाला कश्मीर ना सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है, तब आप जाके ये ठीक होंगे। और अदरवाइज हमारी कौमें जितनी भी बच्चे आ रहे हैं वो कश्मीर के नाम पे ही मरते रहेंगे और हम लोग कश्मीर के नाम पे ही खाते रहेंगे। ऐसे हमारे पास खाने को सिर्फ कश्मीर है, ठीक है, अभी तक जितने पास, अगर इंडिया की बात करें वो तो बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं जैसे सर ने बताया, और ये ना भी बताएं आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चेक कर लें सारा दूध का दूध। अगर आपका कश्मीर का मसला हल हो जाता ना तो आपकी बेहतरी हो जाएगी, मतलब बेहतरी कैसे हो जाएगी, आपको बेचने का कुछ नहीं बचेगा। हम लोग इतने लाखों अरबों डॉलर जो है ना वो फौज पे लगा रहे हैं, फिर हम लोग कहाँ लगाएंगे? इंडिया के साथ हो जी कश्मीर, तो अफगानिस्तान के साथ क्या भाई? जब तक हम किराए के कातिल बनते रहेंगे ना तो तब तक हम लोग सही नहीं हो सकते, ठीक है। कभी हम लोग अमेरिका के कहने पे हम डॉलर लेके जंग लड़ेंगे, हम लोग बेसिकली हम लोग जंगे लड़ते हैं, ठीक है, पैसे लेके, हारना जीतना बाद की बात, हम लोग पैसे लेके अफगानिस्तान में लड़े, ठीक है, हम लोग पैसे लेके हम लोग श्रीलंका में जाके लड़े हैं, देखे ना उसका नुकसान भी क्या हुआ था, श्रीलंका में हम लोग लड़े जाके, श्रीलंका की टीम पे हमला हो गया, तमिलनाडुओं को हमने जाके मारा, हमारी फौज ने वहाँ पे श्रीलंका की टीम पे पाकिस्तान में हमला हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो गई। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको भुगतना पड़ता है ना। देखिए, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में मुझे राजनाथ सिंह का एक बयान याद आता है जिसमें राजनाथ सिंह कहते हैं कश्मीर के अंदर खड़े होकर कि हम कश्मीर के अंदर इतना डेवलपमेंट करेंगे कि POK के लोग देखकर खुद पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि हमें भारत में मिलना है, हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को फैसिलिटी देने के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और POK के जो लोग हैं वो खुद ब खुद भारत के अंदर मिल जाएंगे। अब ये कहीं ना कहीं सच होता दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से भारत की तरक्की हो रही है उसी तरीके से पाकिस्तान का विनाश हो रहा है। जो POK है खासकर वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्कूल नहीं बन रहे, कॉलेजेस नहीं बन रहे, हॉस्पिटल्स नहीं उन लोगों को मिल रहे हैं, इसके अलावा बिजली का जो बिल है वहाँ पर 70 रुपये यूनिट है, अगर उसको हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 18-20 रुपए यूनिट के आसपास बनता है, और POK के अंदर कोई रोजगार नहीं है, लोग वहां पर लकड़ी काटकर या छोटे मोटे काम कर अपना खर्चा चलाते हैं, अगर उनके ऊपर 18 रुपए यूनिट का बिल देने को बोला जाएगा तो वहां के लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित होंगे, और इसका आक्रोश आपको देखने को मिलता है पूरे POK के अंदर, लोग खंभे उखाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम बिल नहीं देंगे आपको, जो करना है कर लीजिए, इसके अलावा आटे की क्राइसिस देख लीजिए, फूड क्राइसिस, इसके अलावा सब्जियों का क्राइसिस, मतलब बहुत ही ज़्यादा POK के अंदर क्राइसिस हैं और उनको इन सारी चीज़ों से निजात नहीं मिल रहा 75 साल से। अब वो भारत की तरफ कहीं ना कहीं जरूर देख रहे होंगे, धर्म से उठकर वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आने वाले उनका भविष्य भारत के साथ ज़्यादा अच्छा है, इसी वजह से हम भारत के साथ मिलना चाहेंगे। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे, तो भैया आपके पास में जो कश्मीर का टुकड़ा है वहाँ पर जाओ, सेवा पानी करो, वहाँ के जो उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रहा, उनके लिए आप कुछ काम करिए।
पाकिस्तान की सेना ना पाकिस्तान के लोगों को हमेशा बरगलाती रही है, कश्मीर का नाटक कर वो भारत से रिलेशन खराब करती है, इन सारी चीजों का फायदा उठाकर पाकिस्तान की आर्मी जो अपना बजट है उसको बढ़ाती रहती है और पूरे देश के ऊपर राज करती रहती है। और जो लोग हैं अब कहीं ना कहीं सारी चीजों को समझ रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।